तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है 100 मीटर में स्टार्ट कैसे ले, स्टार्ट में हमारा टाइमिंग कैसे आना चाहिए, तभी आपका टाइमिंग अच्छा आएगा। ठीक है, हमारा 100 मीटर जो इवेंट है वो एक स्पीड इवेंट है, आपको तो पता होना चाहिए 100 मीटर एक स्पीड इवेंट है। हमें स्टार्ट से लेकर फिनिश तक हमें पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, तभी आपका टाइमिंग अच्छा आता है। और अगर आपका टाइम बहुत बाहर जा रहा है, मतलब 13 सेकंड जा रहा है, 14 सेकंड जा रहा है, तो आपको अगर अच्छा टाइमिंग लाना है तो आपको इसी तरह से स्टार्ट लेना चाहिए। जो आज हम आपको सिखाएंगे उसी तरह से आपको स्टार्ट लेना चाहिए, तभी आपका अच्छा टाइमिंग आएगा। और मैं जो भी आपको वीडियो में बताता हूँ कि ए बी से एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, उसके वजह से आपका टाइमिंग अच्छा आएगा, तो सभी एक्सरसाइज भी आप अच्छे से कर लेना। तो आज हम यहाँ पर ब्लॉक भी हैं और आपको विदाउट ब्लॉक भी हम आज सिखाएंगे, मतलब स्टार्ट कितना अच्छा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट से ही अगर आप अच्छा ना ले, स्टार्ट भी अगर आप अच्छा ना ले, अगर लेट आपका स्टार्ट होता है, आपका टाइमिंग अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आप दोस्तों किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं, या तो एथलेटिक्स करते हैं जिसमें रनिंग पार्टिसिपेट होता है, उसमें 100 मीटर इवेंट होता है, 200 मीटर इवेंट होता है, तो उसमें आपको यहाँ पर जो स्टार्ट है, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास अभी ब्लॉक है और हमारा जो स्टूडेंट है यहाँ पर नया, वो भी स्टार्ट लेने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको जो स्टार्ट है 30 मीटर को किस तरह से लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो ब्लॉक है, यहाँ पर हम ब्लॉक पर स्टार्ट करेंगे, या तो विदाउट ब्लॉक। अगर आप भर्ती तैयार करते हैं तो वहाँ पर ब्लॉक नहीं होता, तो आप दोस्तों विदाउट ब्लॉक भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वो किस तरह से लेना चाहिए इसको हम आज देखेंगे, उसको पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से करना है, अच्छी देखो उधर उधर कर स्टार्ट विदाउट ब्लॉक। तो यहाँ पर हमें किस तरह से फुट लेना है, सबसे पहले एक फुट लेना है, उसके बाद आधा फुट लेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने अभी एक स्टेप लिया, फिर उसके बाद हम थोड़ा इस तरह से स्टेप लेंगे। और जो आपका फुट स्ट्रांग है, मतलब अगर आपका राइट फुट स्ट्रांग है या तो लेफ्ट फुट स्ट्रांग है, तो आपको उसको पीछे रखना है, इस तरह से अपवर्ड है। बैठो यहाँ पर देखो, इस तरह से आपको स्टार्ट लेना है। यहाँ पर बैठने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लाइन है इसके आगे, इसके पीछे आपको इस तरह से हाथ रखना है। और अगर आपका डिस्टेंस आगे जा रहा है तो आपको पीछे लेना है। तो इस तरह से बैठने के बाद आपका जो पेट है वो बिल्कुल इस तरह से बैठ रखना है। उसके बाद जहाँ पर ऑन योर मार्क बोलते हैं हम, वहाँ पर इस तरह से खड़े रहना है। फिर उसके बाद सेट होने के बाद आपको इस तरह से सीट को उछालना है, सीट को उठाना है, फिर इस तरह से आपको आगे तरफ झुकना है। और जब हम क्लैप लगाते हैं या तो विसल बजती है, तब आपको जल्दी से आपको स्टार्ट लेना है नीचे बैठ। हाँ, यहाँ पर हम क्लैप बजाते, ठीक है, सेट, यस। मतलब यहाँ पर दोस्तों जितना आप स्टार्ट अच्छा लोगे उतना आपका टाइमिंग बहुत अच्छा आएगा। तो हम और भी देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट किस तरह लेना चाहिए, हम धीरे से देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब आप बैठते हैं तो आपको हाथों को जितना हो सके स्विंग करना है, और लेग को भी अच्छे से मूवमेंट रखनी है, जितना फास्ट हो सके आपको लेग को उठाना है, तभी आपका 100 मीटर का अच्छा टाइमिंग आएगा। तो इसी तरह से आपको स्टार्ट लेना है। और स्टार्ट लेने के लिए आपको कौन से एक्सरसाइज करना है, जो ए बी से एक्सरसाइज उसको आपको स्पीड से करना है, जो दूसरे एक्सरसाइज हमने किए हैं कि जो यहाँ पर बाउंडिंग किया है, जो स्टेयर वर्कआउट किया है, ये सभी एक दूसरे से आपका जो 100 मीटर का टाइम है उसके साथ जो 100 मीटर का स्टार्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से वर्कआउट करना। और यहाँ पर और भी हम स्टार्ट देंगे, यहाँ पर फिर हम ब्लॉक पर स्टार्ट देखेंगे किस तरह स्टार्ट होता है। तो अगर आप दोस्तों एथलीट हो तो आपको इस तरह से ब्लॉक लगाना है। सबसे पहले थोड़ा आगे रहना चाहिए ब्लॉक, पूरे इधर फिर यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फुट को आगे रखना है। फिर यहाँ पर आपको सिर्फ एक फिट का ही डिस्टेंस रखना है यहाँ पर बैठ। यहाँ पर देखो इस तरह से हमें बैठना है, इस तरह से बैठने के बाद आपका जो ये जो घुटना है, आपका जो पैर है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखना है। आपका जो जमीन आपके सरफेस में नीचे पैलर रखना है, फिर उसके बाद आपको नीचे देखना है। फिर सेट होने के बाद सेट आपको इस तरह से सेट को उठाना है। आपको जो पीछे दोनों पैर है इसको बेंड करना है,
आपको इस तरह से यहाँ पर देखो एंगल किस तरह होता है, 120 का एंगल इस तरह से रहना चाहिए। और आपकी जो बॉडी है और यहाँ पर आपका जो एंगल है, इस तरह से आपकी जो बॉडी आगे झुकनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको जब क्लैप बजेगी तब आप यहाँ पर आपको बहुत स्पीड से स्टार्ट लेना चाहिए। सेट, और हमेशा जब हम स्टार्ट लेते हैं तब आपको बॉडी को झुकी लेना है, मतलब आपको जब 20 मीटर तक आपको बॉडी को झुकाना है तभी आपका स्टार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप खड़े खड़े इस तरह से अगर खड़े खड़े स्टार्ट लोगे तो बिल्कुल गलत है, आपको नीचे झुका के इस तरह स्टार्ट लेना है। और 30 मीटर इतना स्टार्ट अच्छा लेना है कि आपका टाइम बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना, आपका स्टार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो स्टार्ट है इसकी रेपिटेशन आपको हफ्ते में 2 बार इस तरह से वर्कआउट करना है, मतलब 30 मीटर के 40 मीटर के आपको 4 या 5 रेपिटेशन लगाने हैं। उसके बाद 5 मिनट रेस्ट लेने के बाद फिर 5 रेपिटेशन लगाने हैं। इस तरह से आपको वीक में 2 बार करना है, आपका जो रनिंग का टाइमिंग है वो अच्छा आ जाएगा, 100 मीटर का टाइमिंग अच्छा आ जाएगा और आप एक्सेल लगा पाओगे। तो दोस्तों इसी तरह से प्रैक्टिस करना, आपका 100 मीटर का टाइम अच्छा आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।